आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ नंदिनी राजपूत। आज हम लाल किले के पास मौजूद है जहां पर सरकार की तरफ से जनता के मनोरंजन के लिए भारत भाग्य सेलिब्रेशन आयोजन किया गया है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं लोगों से, क्या खास है उनके लिए इस सेलिब्रेशन में। हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज भारती कस्तूरिया, आई एम अ सीए स्टूडेंट। तो अभी आप कहाँ से आए हैं? अभी मैं आई हूँ फरीदाबाद से। तो आपको इस फेस्टिवल के बारे में कैसे पता चला? ऑनलाइन ही पता चला, मीडिया प्रमोशन से, इंस्टाग्राम से बेसिकली, और तो कोई मोड नहीं था। बाकी मुझे पता चला तो आए एक्सप्लोर कि मेरे फ्रेंड्स कौन कौन गए, मैंने उनसे बात की, मुझे रिव्यू अच्छा मिला तो आई एम हियर। अभी आप फूड कोर्ट में बैठी हुई हैं, तो अभी आपको सबसे ज़्यादा किस स्टेट का फूड अच्छा लगा? फिलहाल तो मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, बट राजस्थान का ट्राई किया था एंड सरप्राइजिंगली दाल बाटी चूरमा फर्स्ट टाइम खाया, लगा नहीं था इतना अच्छा, बट एक्चुअली अच्छा था। तो जो प्राइस लिस्ट है वो आज के यूथ के पॉकेट फ्रेंडली है? हाँ, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। कंपेरेटिवली जैसे सूरज कुंड है, अगर उनसे कंपेयर करें तो उस हिसाब से तो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है। ओके, तो बाकी चीज़ें आपने एक्सप्लोर करी हैं? हाँ, मैंने मार्केट देखी थी, हैंडीक्राफ्ट मार्केट जो है, यूनिक चीज़ें हैं, डिफरेंट है, अग्रीड, बट लेकिन वो थोड़ी प्राइस पॉइंट व्यू से हाई है। बट फूड एंड वैसे अगर एक्टिविटीज़ की बात आप करें तो इट्स फन, इट्स वन टाइम गो डेफिनेटली। ओके, जैसे प्रगति मैदान और ये सब ट्रेड फेयर टाइप और भी फेस्टिवल्स लगते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये अच्छा था या वो अच्छे होते हैं? दोनों का एक्चुअली व्यू अलग अलग है। यहाँ पे लोग इन्जॉय करने, एक्सप्लोर करने आ सकते हैं, शॉपिंग पर्सपेक्टिव से नहीं आएंगे। प्रगति मैदान वाला एरिया, वहाँ पे बेसिकली लोग कुछ खरीदने जाते हैं, यहाँ पे यू कैन कम एन्जॉय, रिलैक्स, स्टिल हैव फन। यहाँ पे बंदा शायद शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना आए, इंडिया का जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर करने आएगा, जो यहाँ पे यात्रा एंड एवरीथिंग है, डाइवर्सिटी है। वहाँ पे यू बेसिकली गो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ शॉप करनी हो, तो ये बेसिक डिफरेंस है मेरे हिसाब। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वही है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जितना अभी तक देखा है हमने। मैंने एक कल परफॉर्मेंस भी अटेंड करी थी, तो बहुत ही मतलब अच्छा एक माहौल है जो कि हर जगह पे नहीं मिलता, तो मतलब बहुत यूनिक लगा आके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमल सोनी है। ओके, कौन सी स्टेट की स्टॉल है? वी आर फ्रॉम गुजरात। गुजरात, तो आज 9वां दिन है, तो क्या नया है लेकर आए हो इस बार आप अपनी स्टॉल में? हम यहाँ पे कच्छ के सारे क्राफ्ट लेके आए हैं। हमारे स्टॉल का नाम है कच्छ क्राफ्ट कलेक्टिव, जो कि कच्छ के 500 लीडिंग क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कोलोब्रेशन है। हमारे साथ कच्छ के 8000 से ज़्यादा टोटल आर्टिसंस जुड़े हुए हैं इन 5 ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। सो यहाँ पे कच्छ के सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि वीविंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, फिर लेदर क्राफ्ट है, लेकर वर्क है, सारा कच्छ का जो भी क्राफ्ट है वो सब यहाँ पे देखने आपको मिलेगा। 8 दिन हो चुके हैं, 9वां दिन है आज, तो बिक्री हो रही है या नहीं हो रही है, कैसी जा रही है बिक्री? में तो ऐसा है कि इवनिंग तक ज़्यादा कोई पब्लिक नहीं आ रही है गर्मी की वजह से, इवनिंग के बाद वॉक इन स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट पब्लिक है तो बिक्री इतनी नहीं हो रही है। तो प्रॉफिट हुआ है थोड़ा बहुत? नहीं, सेलिंग कम है, बहुत कम है, एक्सपेक्ट किया था उससे। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार साहू। कौन सी स्टेट की जो स्टॉल है आप? ओडिशा का स्टॉल है ये, ओडिशा स्टेट का। तो इस बार क्या नया लेकर आए आप? नया तो बहुत सारे नेकलेसेस है, और एंकलेट है, ब्रेसलेट है, इयर रिंग्स है, डोकरा भी है, बहुत सारे नया आइटम है। तो अभी आपको अभी टाइम हो गया है यहाँ पे स्टॉल लगाते हुए, तो कैसी बिक्री जा रही है, कस्टमर सारे? कस्टमर तो नहीं है बिल्कुल, इसमें 6 दिन तो बिल्कुल बोइनी नहीं हुआ है। आज 2500 बिका, बिल्कुल बाकी सेल नहीं है। जो कस्टमर है वो तो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, मेला देखते हैं, लेकिन वो सामान खरीदते नहीं, हैंडीक्राफ्ट का सामान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है जी। ओके, तो आपने किस स्टेट का फूड लगाया हुआ है? यहाँ पे आपको बॉम्बे का पूरा स्ट्रीट फूड मिलेगा, आपका पाव भाजी से लेके, वड़ा पाव से लेके, भजिया पाव, जो भी बॉम्बे का फेमस फूड है जो लोग बड़ा जाके स्ट्रीट में इंजॉय करते हैं, वो आलू सैंडविच, चीज़ सैंडविच, स्पेशल रोल्स, ये सब आपको यहाँ मिलेगा और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अब वैसे जो मेन्यू में सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या खाना पसंद कर रहे हैं? हमारा हॉट सेलर आइटम आपका वड़ा पाव है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है।
पाव भाजी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और जो लोग शाम को फिलिंग कुछ खाना चाहते हैं वो मिसल पाव बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कि जो ये भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल है, इसका आज 9th डे है, तो इसमें आपकी सेलिंग कैसे जा रही है? मैम स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था, जिस दिन हम शुरुआत किए थे उस टाइम क्राउड काफ़ी कम आ रहा था, बट संडे को बहुत रश आया है और उसके बाद कंटिन्यूसली सेल्स बहुत अच्छी गई है। तो क्या नाम है आपका? मास्टर शेफ धीरज। जो ये वेगा नेम है इसका क्या मतलब है? वेगा हमारा एक ब्रांड है, द एंटायर फूड इज नो ऑनियन नो गार्लिक। हमारा सिग्नेचर ही नो ऑनियन नो गार्लिक है। बहुत साल लॉन्ग टाइम से हमारा जो होटल चल रहा है नो ऑनियन नो गार्लिक पे ही है। हमारा बेस्ट प्रोडक्ट इन सेलिंग प्राइजेस, जो पुराने जनरेशन पसंद करती थी नो ऑनियन नो गार्लिक पसंद करती, हमारा टिपिकल जैन फूड है। तो क्या क्या आपके पास अभी? हमारे पास थालीज है, चाट्स है, मेन कोर्स है, समोसा भी छोला है, कचौड़ी आलू की सब्जी है, गोलगप्पा है, दही वाला पापड़ी चाट है, डिफरेंट पालक पत्ता चाट है। लोग आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो लोग खा रहे हैं मंडल सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा से कर रहे हैं दही वाला पापड़ी चाट समझ अच्छा पसंद कर रहे हैं, गोलगप्पा चाट पालक पत्ता चाट वो डिफरेंट पता लगा तो अच्छा पसंद कर रहे हैं। तो आज इस फेस्टिवल का 9th डे, तो मतलब कितनी सेलिंग हुई है अभी तक आपकी, कोई प्रॉफिट मिला है? प्रॉफिट और लॉस का कोई मैटर नहीं था, हम पब्लिसिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आपको जाने, लोग आपसे पैसा डजंट मैटर, मनी मैटर नहीं करता, हम लोगों को खिला रहे अच्छे से, वो फीडबैक आ रहे वो ही बहुत अच्छा है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? ज्योत्सना। आपकी फूड स्टॉल का क्या नाम है? हमारा फूड स्टॉल सलाम दिल्ली के नाम से है। सलाम दिल्ली, तो क्या मतलब है इसका? एक्चुअली हमारा फूड स्टॉल अवधी और मुगलई स्पेशलिटी है इसकी, और जो पुराने टाइम के हमारे रामपुर और उस टाइम के हमारे जो नवाब से जो खाना पसंद करते थे वो सारे खाने को हम वापस से लेके आना चाह रहे हैं, तो हमारा फूड स्पेशली उस कैटेगरी में आता है। पुराने टाइम का आप जैसे कि बता रही हैं, तो क्या आपके मेन्यू में क्या स्पेशलिटी, क्या डिशेज़ है ऐसी? जो नवाबों के जो खानसामे बनाते थे, बिरयानी बनाते थे, जो उनके लिए कबाब्स बनाते थे, वो सारे कबाब्स हम लेके आए हैं अभी। और यहाँ स्टॉल की स्पेशलिटी और भी अलग हो जाती है हमारी, क्योंकि हमारा सारा कुछ वेजिटेरियन है, तो अभी जो भी हम कबाब बना रहे हैं वो कबाब कुछ भी कहीं पे भी चिकन मटन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें। जैसे हमारे कबाब गलौटी कबाब हैं वो ग्रीन ब्रोकली के बने हुए हैं, हमारे पास कच्चे केले के काकोरी हैं वो कच्चे केले से बने हुए हैं, तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को एक नया फ्यूज़न देते हुए बहुत सारी चीज़ों को हम पुराने ज़माने के जो हमारे ग्रेवीज थे, जो मटन कोरमा थे, वो सारे कोरमे को हम आज ग्रेवी में वेजिटेरियन में प्रस्तुत कर रहे हैं। अदरवाइज़ हमारी चीज़ें पुराने खानसामे के किचन से ही डायरेक्ट निकली हुई हैं। कल हमने निजाम ब्रदर्स को भी अपना खाना प्रस्तुत किया है, एका को भी बैंड को प्रस्तुत किया था हमारा खाना, इनफैक्ट उनको इतना अच्छा लगा था कि वो हमारे स्टॉल पर आकर के थैंक्स बोल के गए हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।